गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम दीपक सोनी, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, चैप्टर नंबर थर्ड में। सो लेट अस स्टार्ट, सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर नंबर थ्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द नोन एंड अननोन सीन ऑफ मैटर। मींस जो एंशियंट इंडियंस थे एंड ग्रीक फिलोसोफर ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन अनसीन ऑफ मैटर। मींस उन्होंने क्या किया, जो अननोन और अनसीन जो मैटर पार्टिकल्स हैं उसके बारे में उन्होंने क्या की, स्टडीज की। ऑलवेज वंडर अबाउट द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग टाइम बैक इन इंडिया। मीन्स जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी है ऑफ मैटर कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया, मीन्स इंडिया में ही क्या हुआ है, जो मैटर है उसको डिविजिबिलिटी का जो आइडिया है, मीन्स मैटर को जो डिवाइड करने का जो आइडिया है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, इंडिया से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अराउंड 500 BC, मीन्स इन 500 BC द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी वॉज अराइज। ठीक है, मीन्स आइडिया ऑफ, जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी है, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी वॉज अराइज इन 500 BC। एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद पोस्टुलेट ऑल वी हैव टू गो डिवाइडिंग द मैटर। मीन्स इसको जो डिविजिबिलिटी का आइडिया है वो किस साइंटिस्ट, किस इंडियन फिलोसोफर का था, तो महर्षि कणाद। ठीक है, याद रखना, महर्षि कणाद पोस्टुलेट दैट वी हैव डिवाइडिंग मैटर, और मैटर को जो डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो उसको पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, वी हैव सेल स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, मीन्स जो हम भी मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन द शेल कैन नॉट अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बियॉन्ड द डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। मीन्स हम लोग जब भी मैटर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मैटर क्या हो जाती है, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक वन स्टेज ऐसी आती है जब क्या होता है, मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते। मीन्स वन स्टेज ऐसी में हम पहुंच जाते हैं जहां से उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु। इस जब हम लोग मैटर को का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको डिवाइड नहीं कर पाते तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं। अनदर इंडियन फिलोसोफर पकंदु कात्याम। ठीक है, नेक्स्ट जो अनदर फिलोसोफर थे वो उनके नेम क्या था, पकंदु कात्याम इलेबरेट द डॉक्ट्रिन्स एंड सेड टू द पार्टिकल नॉर्मली एक्सिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ गिव वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। मीन्स जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे पकंदु कात्याम, उन्होंने क्या बताया, द पार्टिकल्स नॉर्मली एक्सिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंस होते हैं, विच गिव्स वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, और ये किसको फॉर्म करते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इंडियन फिलोसोफर के नाम याद रखना, इंडियन फिलोसोफर, ठीक है, एक का नाम है महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, एंड नेक्स्ट जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था कुदा कात्या। ठीक है, तो ये दो साइंट जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे इन्होंने ही आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था इन द ईयर ऑफ 500 BC। फिर अराउंड
द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, इसी एरा में मीन्स 500 बीसी के बाद जो नेक्स्ट एरा अराइज हुआ उसमें जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे उनके नेम क्या थे, डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस एंड लुसिपियस, ठीक है, दो यहाँ पे ग्रीक फिलोसोफर थे, एक का नाम का डेमोक्रिटस एंड लुसिपियस, ठीक है, ये दो ग्रीक फिलोसोफर थे। सजेस्ट दैट वी हैव बो डिवाइडिंग ए मैटर स्टेज विल कम पार्टिकल ऑप्टेन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जब भी हम लोग मैटर को एक स्टेज तक उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बाद उसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते, और जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तब क्या होता है, यहाँ पे वी कैन नॉट डिवाइड इट, डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल फॉर्म एटम, ठीक है, इसी को बाद में इन इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग बाद में क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग अनदर नेम एटम्स बोल देते हैं, ठीक है, और एटम्स का अगर मीनिंग बात करें तो इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ऑल दीज आर बेस्ड ऑन द फिलोसफी कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क फॉर वैलिडेट दिस आइडिया, मीन्स इन्होंने इस जो एटम्स के बारे में बताया कि एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इन्होंने सिर्फ बेसिक एजम्पशन के ऊपर बताया, नॉट प्रैक्टिकल, है ना, तो यहाँ पे बस दीज आइडिया कुड नॉट बी डन इन द 18th सेंचुरी, मीन्स बाद में जब 18th सेंचुरी अराइज हुई तब देखा कि 18th सेंचुरी में जो आइडिया है नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, कुड नॉट बी डन टिल द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में ये जो आइडिया है ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम एंड एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, बट 18th सेंचुरी दीज आइडिया इज फेल, बाय द एज ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड आर नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग हाउ एंड वाई द एलिमेंट कंबाइन वेन दे आर कंबाइन, ठीक है, मीन्स हम लोग इन द ईयर ऑफ 18th सेंचुरी जो एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली जो एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं टू और मोर डिफरेंट वेज, जब टू और मोर डिफरेंट वेज से हम इसको कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जो एलिमेंट होते हैं वो फॉर्म कर देते हैं कंपाउंड, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे आर कंबाइन, और क्या होता है जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और एंटोनी लेवोसियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस एस्टेब्लिश टू इंपॉर्टेंट लॉ, बाद में जो एंटोनी लेवोसियर है उसने क्या किया, टू इंपॉर्टेंट लॉ फॉर्मेशन किए, किसके लिए, टू कंबाइन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो इतना याद रखना है तुमको, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने डिविजिबल आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बताया था, वो था महर्षि कणाद एंड पुकुंदु कात्याम, ठीक है, इन्होंने बताया इसके बारे में कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जो होते हैं कि एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और बाद में दो साइंटिस्ट और थे, ग्रीक साइंटिस्ट डेमोक्रिटस एंड लुसिपियस, ठीक है, तो ये दो साइंट चार साइंटिस्ट के बारे में नाम याद रखना, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन नेक्स्ट क्लास, एंड लॉ ऑफ यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक, सो थैंक यू सो मच।